हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके साथ एक इटालियन डेजर्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो है वाटरमेलन ग्रेनिटा। इसे हम बनाएंगे तरबूज के साथ। ये ग्रेनिटा सबको बहुत पसंद आता है, तो चलिए शुरू करते हैं तरबूज में से ग्रेनिटा बनाना। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दें, और अब जो बेल बटन आएगा उस पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी न्यू रेसिपीज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम तरबूज का जूस निकालेंगे। तो तरबूज को मैंने मिक्सी में चलाकर इसका जूस निकाल लिया है। ये 200 ml जूस है। इसमें डालेंगे हम होममेड रूपचा। तो इसे मैंने घर पे ही बनाया है। इसमें एक टेबलस्पून मैंने होममेड रूपचा डाला है। इस होममेड रूपचा की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, तो आप इसे मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अब डालेंगे हम इसमें हाफ टी स्पून नमक। और नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। और अब डालेंगे हम इसमें लेमन जूस। तो मैंने आधा नींबू का रस इसमें मिलाया है। इन सबको हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे। और अब लेंगे हम एक प्लास्टिक का कंटेनर। तो मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है, और इस जूस को हम इस कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसे हम 10 से 12 घंटे फ्रीजर में सेट होने के लिए रखेंगे। तो इस डब्बे को मैं रख देती हूँ फ्रीजर में, और 10 से 12 घंटे के बाद हम इसे एक बार निकालेंगे बाहर, और एक फोक लेंगे, और फोक की हेल्प से इस तरीके से हम पूरी ग्रैनुला बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें फोक को चलाना है, और अंदर तक हम इसे नीचे तक लेके जाएंगे और पूरे ग्रैनुलास बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने सारा बना करके तैयार कर लिया है, और इसे हम एक बार फिर से फ्रिज करेंगे 2 घंटे के लिए। तो एक बार फिर से मैं इसे लॉक कर देती हूँ, सेट कर देती हूँ। 2 घंटे के लिए हम इसे फ्रीजर में रखेंगे, और 2 घंटे के बाद वाटरमेलन ग्रेनिटा बन करके तैयार है। आप इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही और रेसिपी देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।